दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज भगवान गणेश का विशेष पर्व और दिन है, इसलिए आज उन्हीं के बारे में बात की जाएगी। और आज मैं बताऊंगा कि गणेश चतुर्थी की पूजा उपासना, साथ में उनकी कथा और किस तरह से उनको प्रसन्न किया जा सकता है, इस संबंध में आज के वीडियो में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे भगवान गणेश को प्रसन्न किया जाए और गणेश चतुर्थी पर हम क्या क्या कर सकते हैं, इससे जुड़ी हुई कथा क्या है। तो सबसे पहले जानिए कि जो सिद्धि विनायक व्रत कथा है ये अलग ढंग से होती है और गणेश चतुर्थी की कहानी थोड़ी सी अलग है, लेकिन दोनों के बारे में चलिए जान लेते हैं। कहते हैं कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को कहते हैं कि गणेश जी के मध्यान्ह में इनका जन्म हुआ था और इसमें मध्यान्ह व्यापनी तिथि जो है वो ली जाती है, ये दो दिन हो सकती है। और इसी दिन जो है, अगर रविवार या भौमवार पड़ जाए तो महाचतुर्थी मान ली जाती है, और अगर रात्रि में कहते हैं चंद्र दर्शन अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसे मिथ्या कलंक लिख जाता है, यानी कि अगर उसने कोई गलती नहीं भी की होती है इसके बावजूद भी उसे एक श्राप मिल जाता है। ये भगवान गणेश से जुड़ी हुई एक बात है, इसलिए ऐसा होता है। तो यहाँ पर कैसे इनका व्रत पारण किया जाए, किस तरह से साधनाएं की जाए और इस संबंध में जो कथा आती है जिसको हम भगवान गणेश की चतुर्थी के नाम से जानते हैं, और महाराष्ट्र में तो विशेष रूप से इसका आयोजन बहुत ही भव्य तरीके से किया जाता है और बड़ी बड़ी झांकियां भगवान गणेश की निकाली जाती हैं, तो आखिर ये है क्या कहानी। और उत्तर भारत में इस तरह से नहीं मनाया जाता, लेकिन भगवान गणेश की चतुर्थी को विशेष रूप से मनाया जाता है। तो अलग अलग तरीके से ये अलग अलग स्थानों पर भगवान गणेश की पूजा की जाती है और उसकी तरीके भी अलग अलग हैं। कहते हैं एक दिन से लेकर 11 दिनों तक भिन्न भिन्न तरीके से भगवान गणेश की पूजा और उपासना की जाती है, क्योंकि भगवान गणेश जी जो हैं वो ज्ञान के, समृद्धि की और अच्छे भाग के प्रसिद्ध जो है सीधे सीधे प्रतीक माने जाते हैं। मूलाधार चक्र में भी बिना गणेश भगवान की कृपा से आपका मूलाधार चक्र भी जागृत नहीं होता है, इसलिए ये कुंडलिनी जागरण में भी प्रमुख देवता हैं। इनकी कृपा के बिना आपकी जो है कुंडलिनी जागृत हो ही नहीं सकती है, इसलिए अगर आपकी कुंडली आपको उठानी है तो भगवान गणेश की कृपा आपको प्राप्त करनी ही होती है। इसीलिए कहते हैं कि इनको प्रथम पूज्य कहा भी जाता है, यानी कि अगर इनकी पूजा नहीं की जाए तो आपकी मूलाधार चक्र जागृति नहीं होगा, अगर मूलाधार से ऊपर कहानी बढ़ेगी नहीं तो आपकी सिद्धि या यूं कहिए कि आपकी योग साधना बेकार है। तो आज जानते हैं कि इनकी कहानी क्या है, और पहली कहानी तो लगभग सबने सुनी है लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाता हूँ कि कहते हैं कि एक बार माता पार्वती जी जो हैं स्नान करने से पहले उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए और इसलिए कि मैं स्नान कर रही हूँ कोई यहाँ प्रवेश ना करे, इसलिए उन्होंने अपने मैल से एक बालक को उत्पन्न किया था और फिर उसको शक्तियाँ दे करके स्नान घर के बाहर उसको एक आज्ञा दे दी कि द्वार की रक्षा करो और किसी को भी अंदर आने की जो है कोशिश करे तो उसे रोक लेना, मैंने तुम्हें इतनी शक्तियाँ दे रखी कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसी दौरान भगवान महादेव वहाँ आने की कोशिश करते हैं जिसे बालक रोक देते हैं, और इसी बात पर ये बात बढ़ती चली जाती है। कई सारे देवी देवता आकर के उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि माँ की आज्ञा थी इसलिए भगवान गणेश बिल्कुल भी नहीं हटने वाले थे, और इस कारण से जो भी शक्ति उन्हें अंदर जाने से रोकने की कोशिश करती है और जो भी जितनी भी बातें वहाँ पर होती हैं उसको एक भयंकर युद्ध का एक निर्णय हो जाता है, जिसके कारण पहले बहुत सारे शिव के गण, उसके बाद देवी देवता और सभी तरह की शक्तियाँ आकर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, जिनको अपने मात्र बल और अपने ध्यान बल के कारण, क्योंकि माँ का दिए हुए शक्तियाँ उनके पास थीं, उन्होंने सबको हरा दिया और परास्त कर दिया। यह देखकर भगवान शंकर स्वयं, जो कि मृत्यु के देवता भी हैं और मृत्यु उनके अधीन है, इस कारण क्रोधित होकर उस ओर चल देते हैं और फिर अपने त्रिशूल से उनका सिर काट देते हैं। इसकी वजह से माता पार्वती बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती हैं और जब वो बाहर आकर देखती हैं तो सारी बात उन्हें समझ में आती है। वो तुरंत ही कहती हैं कि अगर मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं संसार का नाश कर दूंगी। इसलिए भगवान शिव बालक
का धड़ लाने की कोशिश के लिए अपने गणों को भेजते हैं, लेकिन क्योंकि समय कम था इसलिए जो सबसे पहला धड़ दिखाई पड़े यह आज्ञा थी, तो वो नन्हे हाथी का सर ले आते हैं और फिर उसी को लगा दिया जाता है। इसीलिए गजानन भगवान गणेश हो जाते हैं। गणेश का मतलब होता है गणों का ईश, यानी कि जितने भी गण हैं भगवान शंकर के, उन सब के जो मालिक हैं, उनके जो एक प्रकार से स्वामी हैं, वो भगवान गणेश कहलाते हैं। इसीलिए उनका नाम गणेश भी कहलाया। भगवान शंकर ने उन्हें सभी वरदानों से और सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद से उन्हें सर्वोपरि बना दिया। और कहते हैं कि आपको अगर पता नहीं तो ये जात जान लीजिए कि किसी भी साधना से पहले अगर आप सबसे पहले गणेश जी का नाम नहीं लेते हैं तो वह साधना शून्य ही समझिए, उस साधना का कोई फल आपको नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो साधना नष्ट हो जाती है। इसलिए प्रथम पूज्य का जो अधिकार है वो गणेश भगवान के पास ही है। और मैंने जैसे कि बताया ही है कि आप लोग ये जान लें कि अगर मूलाधार चक्र जागृत करना है तो बिना गणेश भगवान की कृपा से वो जागृत होता ही नहीं। तो गणों का ईष्ट बनने की शक्ति जब होगी आपके अंदर, तभी आप जो है मूलाधार अपना चक्र जागृत कर पाएंगे। अब गणेश चतुर्थी से जुड़ी हुई जो व्रत कथा है वो इस तरह से है कि कहते हैं कि एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठे हुए थे। वहां पर माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के साथ समय बिताने के लिए चौपड़ खेलने का प्रस्ताव रखा। चौपड़ एक प्रकार से उसी तरह का होता था जैसे चौसर, ये आप महाभारत में देखते हैं लगभग उसी तरह का एक खेल होता था। तो इस पर ये बनाया गया कि जो कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला कौन करेगा। तो फिर वहां पर भगवान शंकर ने कुछ तिनके एकत्रित करके एक पुतला बना दिया, उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। और पुतले से कहा गया कि बेटा हम चौपड़ खेलने जानते हैं और जो भी जीते उसका फैसला कर लेना और वही तुम जो बताओगे हम वही मान लेंगे कि हम में से कौन जीता है कौन हारा है। यह कहने के बाद चौपड़ का खेल चलने लगा और यह खेल लगभग 3-4 बार खेला गया। बार बार माता पार्वती भगवान शंकर से जीत जा रही थी। और खेल के समाप्त होने पर बालक से पूछा गया कि कौन जीता है, तो बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। इस पर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध के कारण उन्होंने बालक को लंगड़ा और कीचड़ में पड़े होने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से माफी मांगी और कहा मुझे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि भगवान शंकर ने मेरा निर्माण किया था, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूं, फिर भी आप मुझे क्षमा कीजिए क्योंकि मुझसे इस तरह की गलती हो गई। तो माँ ने कहा कि तुम यहां पर गणेश भगवान का पूजन करो और जब पूजन करोगे तो यहां पर नाग कन्याएं आएंगी और उनके कहे अनुसार तुम गणेश का व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत की ओर चली गई। ठीक 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं और नाग कन्याओं से श्री गणेश की व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक को 21 दिन लगातार गणेश जी के व्रत को जो है उन्होंने किया और उनकी श्रद्धा को देखकर फिर भगवान गणेश वहां प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और मनोवांछित वरदान मांगने के लिए उस बालक को कहा। बालक ने कहा कि विनायक मुझमें इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत तक पहुंच सकूं। इसको देख करके वो प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि इसके बाद इस व्रत की विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई थी और यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा पैदा हो गई थी और माता ने 21 दिन तक गणेश जी का ये व्रत किया था और दूर्वा पुष्प और लड्डुओं से श्री गणेश का पूजन किया था। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए थे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत मनोकामना को पूरा करने वाला व्रत माना जाने लगा। तो इस तरह से भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए इस विशेष व्रत का आयोजन किया जाता है और इस आयोजन से आप निश्चित रूप से भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी शक्तियां और सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी जो साधारण सी विधि है वो इस तरह से होती है कि गणेश चतुर्थी की पूजा को प्रारंभ करने से पहले अपनी हथेली में आप जो है अक्षत है, जल है और पुष्प लेकर स्वस्तिक बनाकर गणेश भगवान और अन्य देवताओं को आप स्मरण करें। उसके बाद पुष्प और अक्षत को चौकी के ऊपर समर्पित कीजिए जहाँ पे आपने भगवान गणेश को स्थापित किया। उसके पश्चात सुपारी में मौली लपेटकर चौकी पर स्थापित कर लें और फिर गणेश भगवान का आह्वान करके एवं कलश की वहां पर स्थापना करिए। स्मरण रहे कि कलश उत्तर पूर्व दिशा की ओर आपका बना होना चाहिए और वह एक जो चौकी आपने बनाई उसकी बाईं ओर स्थापित किया गया हो। उसके पश्चात जो दीपक जलाया है उसको जलाया जाता है और पंचोपकार तरीके से भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। सबसे पहले
आवाहन कीजिए, उसके बाद उनका स्थान ग्रहण करवाइए, उसके बाद हथेली में जंत्र ले जो पानी है उसको लेकर के, जिसको जल कहते हैं, पवित्र जल को लेकर गणेश भगवान की छड़ों में आप उसे अर्पित कीजिए। फिर चंद्रमा के मंत्र को पढ़ते हुए 3 बार उसको कहते हैं जल चढ़ाना चाहिए, और फिर पान के पत्ते द्वारा पानी लेकर छींटे मारनी चाहिए। और फिर भगवान शिव, जैसे भगवान विष्णु को वस्त्र वगैरह आप चढ़ाए जाते हैं, इसी तरह भगवान गणेश को भी सिले सिलाए वस्त्र और कलावा चढ़ाए। उसके बाद मालाएं, पगड़ी, जनेऊ, हार आदि जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं भगवान गणेश को साक्षात स्वरूप मानकर, वह सब चीज़ें आप उनको अर्पित करें, जैसे कि धूप, फूल, दीप, पान के पत्ते, फल, मिठाई, मेवा इत्यादि सब कुछ अर्पित करें। गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो पर्व के दिन प्रातःकाल सुबह उठकर आप स्नान करके जो है भगवान गणेश की पूजा करिए, और मूर्ति उत्तर दिशा में एक चौकी पर आपको स्थापित करनी होती है। इसके बाद आसन ग्रहण करके गणेश भगवान की आपको पूजा करनी होती है। पूजा में पूर्व भगवान गणेश को फूल, फल, रोली, पंचामृत आदि अर्पण करें। जी जो धूप दीप है वो भी भगवान गणेश की पूजा में लगाएं और करें। उसके बाद भगवान गणेश की जो मूर्ति है या चित्र को मोदक या लड्डू का भोग जो है आपको लगाना होता है। मोदक अति प्रिय है भगवान गणेश को। और भगवान गणेश का जो मंत्र है इस दिन जो जपना चाहिए वो इस प्रकार से है, ओम गं गणपते सिद्धि बुद्धि महागणपते नमः। तो इस तरह से आप इस मंत्र को जो है जाप करेंगे और शाम के समय पूजा व्रत को जो है पाठ करेंगे। उसके बाद व्रत कथा को जो है पढ़ना चाहिए, और उसके बाद शुभ मुहूर्त में ये सब कार्य करने के बाद आप जो है गणेश भगवान की जो है पूजा अर्चना करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कहते हैं कि मुहूर्त के हिसाब से 4:53 के समय से या लगभग 5 बजे के करीब से आपका शुरू हो जाता है, और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत जो है समाप्त मान लिया जाता है। तो इस तरह से ये कहा जाता है कि इस तरह से इस व्रत का पारण हो जाता है और ये व्रत इस तरह से किया जाता है। बाकी भगवान गणेश की जो पूजा है वो मंत्रों से करनी चाहिए, और उनके आपको जो सबसे सरल साधना और बहुत तीव्रता से वो प्रसन्न होते हैं उस मंत्र से, वो है उनके 12 नाम। जो भगवान गणेश के 12 नाम का भी जाप आप कर सकते हैं, और वो उससे भगवान गणेश जरूर प्रसन्न होते हैं। बाकी जो स्थापित करते हैं भगवान गणेश को 10 दिनों के लिए 11वें दिन तक, और वो प्रक्रिया सबसे शुभ मानी जाती है भगवान गणेश की पूजा के लिए, तो वो प्रक्रिया भी अपनाई जाती है। वो ज़्यादातर महाराष्ट्र में और उसके आसपास के क्षेत्रों में होता है, और भगवान गणेश को वहाँ विधिवत पूर्वक ला करके घर में स्थापित किया जाता है, और उसके बाद उनकी पूजा पाठ किया जाता है। तो इसी तरह और क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से भगवान गणेश की पूजा और वो जो व्रत और उपासना की जाती है, और इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान गणेश की कृपा आपको प्राप्त होती है। भगवान गणेश बुद्धि, सिद्धि, ज्ञान और समृद्धि, सबसे ज़्यादा भाग्य को बनाने वाले देवता माने जाते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में आपके इस तरह की कोई भी चीज़ की कमी है तो निश्चित रूप से भगवान गणेश की पूजा और उपासना आपको जरूर करनी चाहिए, ताकि उनकी कृपा आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो और जीवन में आपका जो दुर्भाग्य है वो नष्ट हो जाए। क्योंकि विघ्न विनाशक इनका एक नाम है, यानी कि संसार में जितने भी विघ्न और बाधाएं आती हैं जीवन में, उनको हटाने का काम जो विधिवत रूप से करते हैं वो भगवान गणेश ही हैं। और चाहे वो देवी देवता हों, राक्षस हों या त्रिलोकी में कोई भी हो, संसार में अगर वो कष्ट से ग्रसित है और कोई भी जिंदगी में उसके विघ्न हट नहीं रहा है, तो उसे भगवान गणेश की पूजा और उपासना जरूर करनी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।